Well, thank you so much for all the best wishes. Dadasaheb Saab Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. Ji. 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 मैं बस इसको एक चीज़ समराइज़ करता हूँ. माई पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फिल्मी वर्ल्ड. द मोमेंट आई सेड आई गॉट अ नॉमिनेशन फ्रॉम दादा साहब फाल्के अवार्ड, माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड. शी इज़ बीन हियरिंग अबाउट दिस अवार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक ओ वाओ. सो आई थिंक दैट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस अवार्ड. देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेस्टीज व्हेन इट कम्स टू दिस इवेंट. एंड सो आई थिंक रिसीविंग इट इन माई फर्स्ट फिल्म मीन्स अ लॉट टू मी. जी जी जी. इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स है जो पूरी कंट्री के इमोशंस है इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आर कंट्री इज डूइंग. एंड आई रियली वॉन्ट टू सल्यूट ऑल द सोल्जर्स एंड द आर्मी पीपल हु आर डाइंग फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ इन आर कंट्री. जी 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 जी. सी आई जनरली बिलीव दैट राइट नाउ इट इज आई जस्ट सपोर्ट द डिसीजन आर गवर्नमेंट इज मेकिंग फॉर द कंट्री. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट. वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज हैपेंड इन आर कंट्री एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग मोर टुवर्ड्स द फैमिलीज ऑफ आर सोल्जर्स देन एनी अदर सब्जेक्ट. जी जी. मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में. बट इट्स समथिंग एक्साइटिंग. आई कांट वेट फॉर द फिल्म टू बी अनाउंस्ड एंड फॉर पीपल टू नो अबाउट इट. बट वेरी सून आई शैल डू दैट. टुडे आई एम नॉट अलाउड टू डू सो. ओके. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच.